स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। कल अपनी वीरा दीदी ना विदेश जा रही है पढ़ने वास्ते, और मैं चाहता कि उसके जाने से पहले ना उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मैं उनको देना चाहता। ध्यान से हाँ, कोई गलती ना हो। कल्पीरे, मैं लगता है कि है तोहफा वीरा नु जरूर पसंद आएगा। बच्चों, एक काम है, मैनू करोगे तो चॉकलेट दूंगी। वीरा की वजह से पापा जी ने कहा कि उन्हें मेरे पैदा होने से शर्मिंदगी है। अब मैं जो करने जा रही हूं उससे वीरा को खुद अपने पैदा होने की शर्मिंदगी रहेगी। ये ले। तो वीरा कल ही जा रही है? हाँ तलवीरे, मैं उसके जाने से पहले कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि वो बहुत खुश होकर अपने मन में मीठी मीठी यादें लेकर विदेश जाए। मैं वीरा वास्ते कुछ कुछ बहुत यादगार करना चाहता हूं यार, लेकिन मैंने कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए मैंने तेनों इत्थे बुलाया। कुछ बता ना, मैं की कर सकता। मेरे ढाबे विच लिया, खूब सारी मिठाइयां खिलाऊंगा, यादें अपने आप मीठी हो जानी है। मेला दिखाने ले जा, बहुत वधिया नाच गाना होता है, उसे देख के मजा आएगा। आज मेरे गुड्डे और तेरी गुड़िया की शादी करवाते। ये ओम राम है। मम्मी क्यों आया? बलबीर है, मैंने समझ आ गया कि मैंने की करना है। बच्चों सुनो, एक काम है। ठीक है ना, सबको समझ आ गया ना? कल अपनी वीरा दीदी ना विदेश जा रही है पढ़ने वास्ते, और मैं चाहता कि उसके जाने से पहले ना उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मैं उनको देना चाहता। ध्यान से हाँ, कोई गलती ना हो। कल्पीरे, मैंने लगता है कि है तोहफा वीरा नु जरूर पसंद आएगा। मैं ना अपनी वीरा के चेहरे पे वो बचपन वाली मुस्कुराहट देखना चाहता। मैं ना अपनी विराकड़ी नु सबसे खुश देखना चाहता, सबसे खुश। अरे बच्चों, मैं चलता हूँ, स्कूल में मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? और मैं बाकी सारी तैयारियां तब करा दूँ। बच्चों, एक काम है, मैनू करोगे तो चॉकलेट दूंगी। वीरा की वजह से पापा जी ने कहा कि उन्हें मेरे पैदा होने से शर्मिंदगी है। अब मैं जो करने जा रही हूं उससे वीरा को खुद अपने पैदा होने की शर्मिंदगी रहेगी। बीजी, ए लीजिए, अभी मम्मी चाय कीजिए, खाई खाई खाई। बीजी, बीजी और चाय जी कितने हैं? अब याद आ रही है तेनो तेरे वीर जी की? वीर जी, अपनी जरूरतें, अपने सपने, अपनी खुशियां, तेरे वीर जी के दिल में की चलता है उसकी खबर रहती है तेनो कभी? कैसे होगी? रणवीर के दिल का दर्द तू कैसे समझेगी? वीर जी, अब मैं
ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैंने बहुत परवाह वीर जी की। बीजी, अगर जरा भी परवाह होती ना मीरा, तो इतनी उछल कूद नहीं मचा रही होती तू। तू भी जानती है ना रणवीर तन्नू कितना चाहता है, पर तू तो क्या मैं नहीं चाहती वीर जी को? बीजी, वीर जी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मेरी तरफ देखिए ना बीजी, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझसे नजरें भी मिलाकर बात नहीं कर सकते? क्यों बीजी, बताइए ना बीजी, क्यों ये नाराजगी? बीजी, बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा आपको प्यार से देखा, लेकिन आपने मेरी तरफ कभी नहीं देखा, कभी प्यार नहीं दिया। अपने मन को हमेशा से बहलाती रही कि शायद आपके पास काम ज्यादा था, कि आप मुझसे प्यार करती हैं, पर आपके प्यार को जताने का तरीका ही है ये, या फिर कुछ और। हमेशा कुछ ना कुछ कहकर खुद को बहला देती थी। पर बीजी, तकलीफ तो मुझे भी होती थी ना, दर्द मुझे भी होता था ना, क्योंकि आपने वीर जी के साथ तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। बीजी, मैं ये नहीं कह रही इस बात से मुझे कोई तकलीफ है या मुझे जलन होती, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे हिस्से की सारी खुशी, सारा प्यार वीर जी को मिल जाए। पर बीजी, कम से कम मुझे वजह तो बता दीजिए कि आपने मुझे प्यार कभी क्यों नहीं दिया। बीजी, बचपन से लेके आज तक मैं हमेशा आपके प्यार के लिए तरसती रही, पर मैंने आपका प्यार नहीं मिला। जो झूठ मैंने बचपन से खुद को कहा था, वही झूठ बड़े होने के बाद मैंने सबको कहा कि मेरी बीजी मुझसे बहुत प्यार करती है, जबकि मैं जानती थी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। जब हॉस्टल में बाकी सारी लड़कियां अपनी बीजी से फोन पर बात करती थी और मुझे बताती थी, तो आपको क्या लगता है मैंने तकलीफ नहीं होती थी? होती थी। और मैं जब आपको फोन करती थी आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, तब आप हमेशा टाल जाती थी, कभी मुझसे बात नहीं करती थी। वीर जी से पीछे से कहती थी कि आप घर पर नहीं हैं। आपको क्या लगता है मैंने कभी सुनाई नहीं दिया, मैंने कभी समझा नहीं? कभी सोचा है पीछे कि उस वक्त मुझ पर की गुजरती थी, कैसे एक पल में टूट जाती थी मैं, जब मुझे संभालने के लिए भी कोई नहीं होता था? क्या आपने कभी सोचा है? बीजी, बीजी, क्यों इतने सालों तक आप मुझसे दूर दूर भागती रही? क्यों कभी अपने सीने से लगाकर मुझसे ये नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार करती हैं? इर्ची, जबरदस्ती आपका हाथ मेरे सर पर रखवाते, जबरदस्ती आपके हाथों से खाना खाती, क्या कभी कोई बीजी अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है? बताइए ना बीजी मैनू, आप क्यों करती हैं ऐसा मेरे साथ? बीजी, मैं मानती कि वीर जी मेरी अनोखी माँ है, पर आप ही तो मेरी माँ है ना। प्यार भी तो मैं उतना ही चाहती हूँ ना, तो क्यों इस बेटी को अपनी बीजी का प्यार इतने सालों तक नसीब नहीं हुआ? क्यों एक बेटी इतने सालों तक अपनी माँ के सहारे के बगैर जीती आई है? बीजी, आज मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ, मैंने सच्चाई जाननी है। बताइए मैनू, क्या मेरी सफलता से आपको थोड़ी सी भी खुशी नहीं होती? आपको उस पर गर्व नहीं है?
पूरा करने वास्ते अब सबसे दूर जा रही हूँ 3 साल के लिए। और जाते जाते भी आपने ना खुशियां नहीं दे पाई, अभी भी वही नाराज थी, वही शिकायत थी। कोई बात नहीं, आप मैं नहीं चाहती ना, अब जबरदस्ती तो आपका प्यार नहीं छीन सकती मैं। आई प्रॉमिस आपसे आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी नहीं। वीरा, वीरा, वीरा चल मेरे नाल, तुझे खाना तेन, चल चल वीरा। हाँ ना, चल 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 जल्दी आ जा। जी आप मैनू कितने लेकर जा रहे हैं बताइए ना। हीरा मैं तुम्हें उस जगह लेकर जा रहा जहां से पहली बार तेरे सपनों के बीज बोए गए थे, जहां से तुमने उड़ना सीखा था। आजा जल्दी आजा। आज मेरा मुंह खुलने वाला था उसके सामने ताई जी, सब बताने वाली थी मैं उसे, बताने वाली थी कि क्यों है ये नाराजगी, कैसे उसकी मां ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा पति, कैसे जब उसको देखती हूँ तो उसकी मां का चेहरा दिखाई देता है। मैंने बेकार में परेशान मत हो, कल तो जाने ही वाली है ना वो, फिर ना कोई दर्द, ना नाराजगी, ना सवाल, ना जवाब। मैं पानी लेकर आती हूं तेरे वास्ते। रतन, बहुत कोशिशों के बाद भी तू मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुई, इसलिए लिख रहा हूं। जो हुआ वो तेरा जानना जरूरी है, वरना ना तेरे मन का बोझ उतरेगा ना कभी मेरे मन का। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।